बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, अब लास्ट टाइम जो काम किया था उसके अंदर ये था हमारे पास कि हमने जो है वो रिकॉर्ड ड्रॉप डाउन में उठाए थे सारे, ठीक है। अभी इंसर्ट कुछ नहीं करवाया था, सिर्फ एक ड्रॉप डाउन में उठाया था यहाँ पे रिकॉर्ड। इसके अलावा डिज़ाइन अभी हम बेहतर कर लेंगे इसका। फिलहाल ये था कि हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड ड्रॉप डाउन में ऐसा प्रायोरिटी आ रहा था उठ के डेटाबेस से, ठीक है। और ये हमारे पास वो फॉर्म आ रहा है और यहाँ पर जो है वो हम उनकी जो फाइल्स हैं वो अपलोड करवाएंगे एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसमें इमेज होगी और फर्दर एचएससी की मार्कशीट और इसके अलावा एसएससी की मार्कशीट, ठीक है। तो ये वो फाइल्स हैं और आज जो काम होगा वो इसके ऊपर फर्दर काम करते हैं। और सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो डिज़ाइन वाला काम है वो अलग से देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए बस मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको रजिस्टर, इतना काफ़ी है। अच्छा आप देखें, कंट्रोलर पे चलते हैं इसके और इंडेक्स पे ही सारा काम करना है आपने। अच्छा, इमेज अपलोडिंग का कोड पहले भी पढ़ाया था तो मैं उसको अभी दोबारा नहीं कर रहा, ठीक है। उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये मैं शेयर कर दूंगा। ये वाला कोड हमेशा यही काम आता है, ठीक है। ये पहले बताया है इसके बारे में। तो बस सिंपल इसको क्या करें, यहाँ पे लाके कहीं पर भी नीचे फंक्शन के बाद पेस्ट करते हैं, ठीक है। फंक्शन कौन सा, ये जो जहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है उसके बाद। अब देखें जो एरर आ रहे हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल डॉट कीजिए, ये इसको इम्पोर्ट करवा लेगा, यहाँ से ये एरर चले जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, एक काम और इस जगह पे करना होगा इस कोड को रेडी करने के लिए। तो इस जगह पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आइए और एक फोल्डर बना दें कंटेंट के अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, कंटेंट के अंदर एक अपलोड का फोल्डर बनेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहाँ से एक नया फोल्डर करके इसका नाम सेम रखेगा, स्पेलिंग का भी ख्याल रखेगा और केस का भी, कि वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब क्या करना है, ऊपर चलते हैं जहाँ पर ये वाला काम हमने इंडेक्स पे किया था। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हम उसका पोस्ट मेथड बनाएंगे, क्योंकि हमने रिकॉर्ड वहाँ से उठाना है, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्ड होगा हमारे पास वो सारा का सारा हम यहाँ पर इसके थ्रू इस जगह पे बनाएंगे। कैसे करना है उसके लिए आते हैं यहाँ पर, और इस जगह पे आकर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मल्टीपल ड्रॉप डाउन चाहिए थे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब मैंने कहा यहाँ पर कि मुझे एक कैटेगरी भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ। इसको मैं क्या कर दूंगा, इस जगह पे TBL कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, मैं ऐसे नाम दे देता हूँ इसको ऐसे, या LI2 दे देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा .TBL कैटेगरी, यहाँ पर इसका नाम चेंज करें, कहते कर दें कैटेगरी लिस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी ID, और यहाँ पर आ जाएगा कैटेगरी का नाम, ठीक है। ऐसे नाम पास करवा दिया। अब क्या करना है, आपने इसी को पूरे को कॉपी करिए, यहाँ कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें इसका नाम। और फिलहाल के लिए मैं अभी इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चेंज कर दूंगा। इस जगह पे आके अपनी उस क्लास का नाम कॉपी करना है, नाम यूज़ करना है, तो मैंने ऐसे नाम दे दिया कॉमा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब भी आपने इमेज अपलोड करनी होती है या कोई भी फाइल अपलोड करनी होती है तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं HTTP पोस्टेड फाइल बेस। हमेशा याद रखिएगा यही इस्तेमाल होता है, HTTP पोस्टेड फाइल बेस। और इसके बाद वो ID आती है जो आपने पीछे दी होगी, कहाँ दी होगी, ये रही, ये देखिए IDs आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक का नाम IMG फाइल, इमेज फाइल रख दिया, इसका भी सेम रख दें, इसका मैं नाम रख देता हूँ SSC फाइल ताकि याद रहे, और इसी ID को कॉपी करके सेम नाम से नाम पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे आप कर दें इसको HSC फाइल। सेम नहीं रखिएगा वरना बाद में परेशानी होगी, ठीक है। ये एरर कुछ भी नहीं देगा और आपको डेटा इंसर्ट भी नहीं करवाएगा। तो ये कर दिया, अब इसी ID को कॉपी कर लें और यहाँ पे लाकर आप कहाँ पेस्ट कर देंगे, कंट्रोलर में आइए और यहाँ पर आकर आप यहाँ पेस्ट कर दें इस तरीके से। एक और बार चाहिए तो इसी को कॉपी करें, यहाँ से यहाँ लाके इसको ऐसे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आप दे देंगे इसको SSC फाइल, ठीक है, कॉमा, फिर पेस्ट कीजिए और यहाँ पे आ जाएगा HSC फाइल। सारे पैरामीटर्स को आपने यहाँ पे थ्रू करवा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें आपके पास उठ के आ गई हैं तो आप यहाँ पे क्या करें, इस जगह पे आइए और यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाइए, एक वेरिएबल बनाइए स्ट्रिंग, और इसका नाम आप कुछ भी रखवा दें। तो मैंने फ़िलहाल के लिए दे दिया यहाँ पर इसको IMG पाथ, ठीक है। इस तरीके से एक नाम दे दिया इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे दिया उस फंक्शन को नीचे बनाया है इसको कॉल कर लें ताकि ये फंक्शन चल सकता हो। अच्छा, वेरिएबल में रखवाने का मकसद क्या है,
हमेशा ये याद रखिएगा कि जब बड़े फंक्शंस होते हैं तो उसको आप बार बार ना लिखना पड़े, इससे बेहतर क्या है कि वेरिएबल में रखवा लें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसी वेरिएबल को कॉल करवा लें, ना कि पूरा कोड दोबारा लिखना पड़े। तो इसका फ़ायदा ये है। फिर यहाँ पे आपने वही पैरामीटर पास करवाया इमेज फाइल और यहाँ लगा दिया टर्मिनेटर। अब अगर क्या हो कंडीशन कि अगर इफ़, और यहाँ पे आ जाएंगे इमेज पाथ, मतलब उसके अंदर वैल्यू मतलब माइनस तो नहीं है, माइनस का मतलब होता है एरर। इफ़ इमेज पाथ डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे आप देंगे इसको -1। अगर ऐसा है तो वो क्या चलेगा, तो उसके बाद एक कंडीशन आप यहाँ बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए इस जगह पे, यहाँ पर हम इस यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक नॉर्मल सा वो रखवा लें, यहाँ ब्रैकेट लगा दें और एल्स चला दें यहाँ पर, और यहाँ पे लिखवा दें रिस्पॉन्स डॉट राइट, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस तरीके से यहाँ पे एचटीएमएल के बेस के ऊपर ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करवा दें, इस जगह पे आप आईएमजी पाथ को रिटर्न करवाएं, क्या अगर इसको मिल रहा होगा तो वो रिकॉर्ड को लाकर दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करवा दें, इस जगह पे उस वाले फंक्शन का नाम पास करवा दें, ऊपर वाले फंक्शन का नाम है इंडेक्स, तो आपने इसको कॉपी किया यहाँ लाके इस जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। कोई एरर नहीं देगा, अभी ये चला जाएगा खुद से एरर, ठीक है। तो जो कंडीशन थी हमने यहाँ पर दी, इसको इसको डबल मेट कॉमा में पास कर दें, ठीक है, ये यहाँ पास करवा दीजिए ताकि ये रिकॉर्ड को उठा सके। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको आप चला के देखें, सिर्फ रिटर्न करवाने के बाद मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर एक पोस्ट मेथड बना देता हूँ, क्योंकि डेटा यहाँ से भिजवाया जा रहा है, तो जब भिजवाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट मेथड, ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल के लिए अभी टेस्टिंग के लिए ये रिकॉर्ड पास करवाया है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और अभी जैसे कि नॉर्मली हमने आईडी पास करवा के सब चेक कर रहे थे, असल गेम क्या है कि मैंने यहाँ पे कहा कि जो मेरे पास जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन है कि मैं यहाँ पर जो मैंने लगाई हुई है, तो पहले क्या करते हैं हम इस जगह पर आकर एक और वेरिएबल लेते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा फाइल अपलोड करवानी है। अगर सिंगल फाइल होती तो यही काम हो जाता, लेकिन आप मल्टीपल फाइल्स हैं तो आपने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे आप क्या नाम रख देंगे, इसका नाम रख दें एसएससी पाथ और इसका नाम रख दें आप एचएससी पाथ, ठीक है। ऐसे नाम दे दिया, और यहाँ पर आईडी कौन सी आएगी आपको पता है, यहाँ पर कौन सी यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर ये वाली आईडी और यहाँ पर ये वाली आईडी थ्रो हो जाएगी, सॉरी, तो ये यहाँ से उठाएं आईडी को और यहाँ ला के थ्रो करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको ला के यहाँ पेस्ट करते हैं, तो ये तीनों आपने वेरिएबल उठा लिए। अब क्या हो जाएगा कि अब जैसे हम मैंने एक वक्त में देखिए यहाँ पर इमेज डॉट पाथ इक्वल्स टू -1 दिया है, अब देखिए एक ही वक्त में हम मल्टीपल कंडीशन को भी चला सकते हैं, कैसे। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो इमेज अपलोड की जा रही है वो क्या हो, वो हो सकता है कि इमेज ना हो, वो क्या हो, डॉक्यूमेंट हो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, एसएससी फाइल, मतलब क्या पता दूसरी वाली फाइल उठा के लाई जा रही हो, तो एसएससी पाथ डॉट, यहाँ से आप क्या कर देंगे इक्वल्स, सही है, यहाँ पर आपने लिखा इक्वल्स, और यहाँ पर आकर आप क्या कर देंगे, इसको भी ट्रू मतलब -1 रिटर्न करवाएंगे कि अगर ये -1 है तब भी क्या करे उसको वैल्यू को देख ले, और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करे एक और वैल्यू को लेकर आए, मतलब यहाँ पर आप आइए दोबारा से, अच्छा ये गलती हो गई, यहाँ पर ब्रैकेट लगना था, वो ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है यहाँ पर, उसको हटा दें। अब स्पेस बार दीजिए यहाँ पर आकर, और यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला वाला एच एस सी पाथ वाली वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उठ के आ जाएगी, तो जो जो चीज़ें आपके पास आती जा रही हैं वो आप यहाँ पे लाते रहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोबारा से ऑपरेटर पास किया और यहाँ दे दिया मैंने एच एस सी पाथ डॉट इक्वल्स, दोबारा से कंडीशन लगाई और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको कि ये भी क्या होगा, ये भी -1 होगा, मतलब अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ है तो वो यहाँ पर क्या कर दे, इसको फिलहाल अभी इफ़ को ऐसी कंडीशन रहने दें, और एल्स में आप क्या करें रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएंगे हम यहाँ पर आकर, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा रिकॉर्ड इंसर्ट, तो आप यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, इस जगह पे अपने टेबल का नाम पास करवाएं, तो वो ये रहा, ऐसे मैंने एक नाम दे दिया इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ये मेरे टेबल का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा भाई, आप क्या करना है यहाँ पर आकर, आप यहाँ पर जितनी वैल्यूज थी वो सब उठा लें, तो मेरे पास क्या क्या है, आर ई जी डॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा CNIC, पहले नंबर पे भैया आ रहा था, इज इक्वल्स टू, और नाम उसका ऊपर मैंने दिया हुआ है SVM, ठीक है, तो SVM मैंने यहाँ पे पास करवाया डॉट, और यहाँ से मैंने NIC को बाइंड करवा लिया। इस तरीके से अगला आ जाएगा REG डॉट,
पासवर्ड, ठीक है, इस तरीके से जो जो फील्ड आ रही हैं वो सब हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो मैंने कहा पासवर्ड है svm डॉट पासवर्ड, पासवर्ड के बाद है reg डॉट, यहाँ से आ जाएगा फुल नेम इज इक्वल्स टू svm डॉट फुल नेम, उसके बाद आपके पास आएगा reg डॉट फादर नेम इज इक्वल्स टू svm डॉट फादर नेम, ये दे दिया आपने। फिर आप लिखेंगे reg डॉट और यहाँ से आएंगे अगला क्या आ जाएगा मोबाइल डॉट मोबाइल इज इक्वल्स टू svm डॉट मोबाइल, ये आपने पास करवा दिया। अगला आएगा फोन, तो reg डॉट फोन इज इक्वल्स टू svm डॉट फोन, ठीक है, ये फील्ड पास करवा दी। और क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको, तो यहाँ से मेरे पास मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है reg, और यहाँ से आप आके लिखेंगे अगला आएगा मैट्रिक इज इक्वल्स टू svm डॉट मैट्रिक reg डॉट, अगला आएगा आपके पास इंटर मार्क्स, तो इसको आपने यहाँ से पास करवा दिया डॉट इंटर मार्क्स, ठीक है, जो जो फील्ड्स थी वो सब आपने यहाँ पे लिखी। अब आपको क्या चाहिए यहाँ से, मुझे अब कैटेगरी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखवाया reg डॉट, यहाँ से आएगा कैटेगरी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आएगा svm डॉट कैटेगरी, ठीक है, इसको भी पास करवा दिया। अब इमेज चाहिए, इमेज के लिए क्या आउट किया आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से reg डॉट इमेज इज इक्वल्स टू, इसमें भी सेम पाथ आएगा, मतलब img पाथ वाला वेरिएबल आ जाएगा। अब मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, ssc मार्कशीट वाला चाहिए, तो यहाँ पर क्या आउट किया जाएगा, ssc पाथ वाला वेरिएबल आउट किया जाएगा, ठीक है। अब देखें एक वक्त में तीनों फंक्शन साथ चल जाएंगे, इससे फ़ायदा ये होगा। reg डॉट अगला क्या आ जाएगा आपके पास इस जगह पे, तो मैंने यहाँ पे दिया hsc इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास hsc पाथ, सही है। तो ये मैंने अलग अलग फील्ड जो जो रिक्वायर्ड थी वो दे दी। अब आएगा प्रायोरिटीज वाला, कि मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो यहाँ पर आ रहा है p1 इज इक्वल्स टू svm डॉट p1 reg डॉट, यहाँ से आप लिखेंगे p2 svm डॉट p2 reg डॉट, यहाँ से आ जाएगा p3 इज इक्वल्स टू svm डॉट p3, ठीक है, ये सारी फील्ड्स हमने यहाँ पे दे दी। और एक स्टेटस पीछे पास करवाया था, तो reg डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू, इसको बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा था कि हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो ठीक है, तो ताकि ये कि जब आप स्टेटस पास करवाएंगे कोई भी अपलोड करता है तो बाय डिफॉल्ट वो अप्रूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये दे दिया, उसके बाद डेट, इसको हम क्या करेंगे सिस्टम से उठाएंगे, तो सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ कर दें, तो सिस्टम डॉट, ताकि ये करंट डेट टाइम उठा लेगा, डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ से करंट डेट टाइम उठा के ले आएगा, इसको टर्मिनेटर लगा दें खाली ऐसे, ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आ गया, अब बस ऐड करवाते हैं, तो यहाँ पर आते हैं db.tbl registration डॉट एड, ऐसे आपने पास करवाया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप पास करवा दें जगह पे reg, जो लेफ्ट साइड पे होगा वो पास करवाना है आपने, ठीक है, और यहाँ पे आप करवा दें db.saveChanges, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर आपकी वैल्यू को सेव करवा देगा, जो भी डेटाबेस में जाएगी वैल्यू तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब चला के देखते हैं इसको कि क्या ये वाली फाइल उठा के आ रहा है, तो हम इसको फिलहाल के लिए ऐसे रखते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कि ये रिटर्न कहाँ हो जाए, तो मैंने फिलहाल अभी इसको इसी पेज पे भिजवा दिया जो मैंने बनाया है, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो जो भी नाम है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा इसका, उसी से उठ के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक नाम मैं ऊपर चेंज कर देता हूँ इसका, इसका नाम रख देता हूँ मैं इंडेक्स, ठीक है, ताकि इसी का ये गेट मेथड बन सके। और अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया, इसको इंडेक्स मेथड पे ही भिजवा दिया, अलग से ज़रूरत ही नहीं भिजवाने की। गो टू व्यू करें, इसको चला के देखें, ठीक है, इसको चला के देखते हैं अभी, तो मैंने यहाँ पर दे देता हूँ, PTCL नंबर यहाँ पे किसी का डाल दिया, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे दे दिए।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पे प्रायोरिटी सेट कर लेंगे। तो मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है, और अब थर्ड वाला डाला हुआ नहीं है अभी, तो फिलहाल यही डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेते हैं, और अभी रैंडमली कोई डाल देते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद फिर इसको दोबारा से डाल दें यहाँ पर, सेकंड पे कोई और पिक्चर यहाँ से अगर है तो मैं फिलहाल के लिए डाल देता हूँ यहाँ से, और एक और पिक्चर कोई ले ले तो ये डाल दी, ठीक है। दो तीन पिक्चर्स थी, इसको डाल के चेक करते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ जो गलती है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर बिगिन फॉर्म नहीं लगा हुआ, मतलब जब डाटा भिजवाना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ऊपर आके यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डाटा भिजवाना होगा तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर HTML.begin फॉर्म को यूज़ करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया है। अभी मैंने देखा नहीं उसको कि वो HTML में लगा हुआ है, तो वरना पहले ही हम पास करवा देते उसको, सही है। तो हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके लिए अब इस जगह पे आइए जहाँ पर ये बॉडी स्टार्ट हो रही है, या डायरेक्टली बस जिस जगह से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लगा दें, ठीक है। और यहाँ पे अभी जगह हम चेक करते हैं कि ये कहाँ पे लगाना बेहतर रहेगा, फिलहाल एक काम करते हैं सेक्शन पे लगा देते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर आप क्या करते हैं, एट द रेट यूजिंग, और यहाँ पर आकर आप लिखवाएं HTML.begin फॉर्म, और यहाँ से आप क्या चलाएंगे इसको, इस जगह से जो भी नाम है, तो मैंने यहाँ पे दिया इसको इंडेक्स पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ से कंट्रोलर का नाम जो कि क्या था आपका, स्टूडेंट नाम था, स्टूडेंट का एस कैपिटल स्मॉल है और कैपिटल है नाम, तो हमने यहाँ पे दे दिया ऐसा कि नाम कैपिटल स्टूडेंट दे दिया। तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे कि मेथड कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे दिया फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। अब जो चीज़ बहुत अहम है कि जब भी कभी आपने इमेज पास करवानी होती है तो आप क्या करते हैं, ऐसे न्यू लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पे लिखवाते हैं इंक टाइप इज इक्वल्स टू, और यहाँ लिखेंगे आप, अच्छा ये जब भी इमेज करनी होगी हमेशा लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे मल्टी पार्ट, और यहाँ पे स्लैश डालेंगे और ऐसे लिखेंगे फॉर्म डैश डाटा, सही है। तो और इसके बाद फिर इसका एक ब्रैकेट आप यहाँ से ओपन करें, यहाँ लगाइए, और उसके बाद इसको बंद करें और एक ब्रैकेट लगा दें बिल्कुल आखिर में यहाँ पर आकर, ठीक है। ऐसे देखें अभी कोई एरर नहीं है, चला के देखते हैं, अगर इसमें सपोर्ट कर रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज पे चेंज करेंगे इसको, ठीक है। ये फिल कर लिया, रजिस्टर करके देखते हैं इसको। देखें यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं आया, इसने सेम पेज पर रिटर्न करवा दिया है। एसक्यूएल में चेक करते हैं क्या हुआ ये रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है। देखें यहाँ पर ये रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया सारा एक वक्त में। एक चीज़ मुझे पहले डाउट हो रही थी वो ये थी कि मुझे स्टेटस लग रहा, कैटेगरी लग रही थी कि नल जाएगी, वो यहाँ पर गई है। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें देखें तो HSC की ये भी आई है उठकर, जो भी पिक्चर थी, एक वक्त में हमने तीनों फाइल्स को साथ उठाया है, ठीक है। एक बस ये देख लेते हैं यहाँ पर ये कैटेगरी क्यों नहीं गई है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। बाकी ओवरऑल जो है वो हमारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। गलती ये थी कि यहाँ पर जब मैंने कंट्रोलर के अंदर ID पास करवाई थी, ठीक है, तो मैंने वहाँ फ्रंट एंड के ऊपर एक तो पास नहीं करवाया था, दूसरी बात ये कि यहाँ पे LI2 जो लिखा गया था, मतलब मैंने यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे LI लिखा रहने दिया था, ठीक है। यही वाला काम मुझे यहाँ पे भी करना था, ये दोनों जगहों में मैंने किया। इसके अलावा ये कि इंडेक्स वाले पेज पे यहाँ मैंने जब कॉपी पेस्ट किया था तो मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली क्या किया था, ये P3 ही लिखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर नाम नहीं आ रहा था, ठीक है। आप देखें यहाँ पर जब मैंने सेलेक्ट करा इसको, तो यहाँ मैं आके जब नाम डालता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, तो ये मैंने यहाँ से दिया कि कराची से अप्लाई किया जा रहा है, और अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं यहाँ पर। तो नॉर्मली हम जब इस पिक्चर अपलोड करते हैं तो स्कैन करके अपलोड किया जा रहा होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको स्कैन करके इस तरह से किया, रजिस्टर किया, अब देखते हैं जाकर इसको कि क्या अभी आ रहा है। तो TBL रजिस्टर, इसको उठाया हमने जाकर, तो देखें यहाँ पर हमारे पास जगह पर कैटेगरी उठ के आ गई है, ठीक है। ऊपर वाले को मोड़ा दूंगा, बाकी सारे रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास जगह पे आ चुके हैं।